तो चलिए आज बनाते हैं पालक पनीर राइस. इट्स वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर किड्स एंड बड़े लोग भी इसे खा सकते हैं. इसमें क्वांटिटी बढ़ा के आप बना ले तो इसे वो भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो चलिए आज देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है. तो 1/4 कप ऑफ राइस मैंने लिया है, 1/2 बोल ऑफ पालक लिया है, 1/4 टोमेटो लिया है एंड 1/4 कप ऑफ मैंने लिया है ग्रेटेड पनीर, 2 क्लोव्स गार्लिक एंड 1/4 कप ऑफ आनियन एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड 1 टीस्पून घी. यहाँ मैंने प्रेशर कुकर रख दिया गर्म होने के लिए और रख दिया था और इसमें मैंने फिर ऐड कर दिया 1 टीस्पून घी. घी इसलिए ताकि बच्चों के लिए, घी अच्छा होता है और राइस की चीज़ें खास करके घी में बना के दे बच्चों को तो उसका टेस्ट ही अलग आता है और बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं. तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है घी. घी जो ही थोड़ा गर्म हो जाए इसमें डाल दे क्यूमिन सीड और क्यूमिन सीड जैसे थोड़ा सा फूटने लगे आप इसमें ये गार्लिक डाल दे, जो 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक था वो डाल दे. गार्लिक और क्यूमिन सीड को 5 से 6 सेकंड के लिए अच्छे से भून ले. उसके बाद इसमें जो मैंने 1/4 अनियन रखा था वो ऐड कर देंगे. उसके बाद इसमें ऐड करेंगे टोमेटो और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी सब्जियों को 8 से 10 सेकंड के लिए भून लेंगे. फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट. सॉल्ट को डाल के अच्छे से मिला ले. फिर इसमें ऐड करेंगे टर्मरिक और दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे स्पिनच और स्पिनच को सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे. फिर इसका लीड लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे. थोड़ी देर बाद लीड हटा के देखेंगे तो इसका कलर ऐसा हो चुका है. फिर इसे थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से. फिर देखेंगे कि ये भुना नहीं है, अभी थोड़ा सा और इसको भुनना है. तो इसके लिए फिर इसका लीड लगा देंगे और इसे कुछ तकरीबन 10 सेकंड के लिए छोड़ के फिर लीड हटाएंगे और देखेंगे कि ये ऐसा हो चुका है. फिर इसमें राइस ऐड करेंगे. राइस को अच्छे से स्पिनच और सारी सब्जियों के साथ मिला लेंगे. फिर उसके बाद मैंने ये पानी लिया है, 1/4 कप ऑफ राइस में मैंने 1/2 कप ऑफ पानी लिया है. ये परफेक्ट क्वांटिटी होता है, इतने से इतने के लिए इतना पानी. तो आप इस पानी को इसमें डालें और अच्छे से मिला दें. और फिर सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है ये ग्रेट किया हुआ पनीर. सबसे लास्ट में इसलिए ऐड किया है कि पनीर थोड़ा हार्ड ना हो जाए, इसलिए सबसे लास्ट में ऐड करके और प्रेशर कुकर का लीड बंद करके इसे 2 व्हिसल आने तक पकाएंगे और इसका काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है. इसलिए मैं ग्रेटेड पनीर डालती हूँ. अगर आप चाहें तो इसे क्रैम्बल करके भी डाल सकते हैं, बट क्रैम्बल और ग्रेटेड में थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है. तो फिर इसे प्रेशर कुकर का लीड लगाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 व्हिसल आने तक पकाएंगे और फिर इसे जब तक इसका प्रेशर ना निकले इसे छोड़ देंगे.
ये देखिए, मैं इसे थोड़े देर बाद मैंने इसे चेक किया, ये दो विसल के बाद ऐसा हो चुका है, ये बिल्कुल भी खिला खिला राइस होता है। और राइस को पहले से धो के या ऐसे करके कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बनाने से बस 5 मिनट पहले राइस धो के रख लें और उसके बाद बनाएं। तो ये देखिए, तो ये है मेरी बेटी का प्लेट और मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी। आप इसको 2-3 स्लाइस क्यूकम्बर के साथ सर्व करें बच्चों को, और इसे बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी बेटी ने इसे खाया और क्या बोला। How is it? Yummy. You like it? Yes. Good job. Smile.